Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.sbsmartschools.com. जम्मू संभाग के जिला सांबा के नड इलाके में बीती रात पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड से हमला किया गया। हमले से इलाके में दहशत फैल गई है। ग्रेनेड लक्ष्य से चूक गया और सड़क पर जा फटा। आईजी जम्मू मुकेश सिंह ने जानकारी दी कि पुलिस नाका पर ग्रेनेड हमला किया गया था, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। आगे की जांच चल रही है। ये हमला सांबा मानसर मार्ग पर नड क्षेत्र पर पुलिस नाके पर किया गया था। कश्मीर घाटी के लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी लवाडा ने अपने एनफोर्समेंट विंग के साथ मिलकर एनफोर्समेंट ऑफिसर अब्दुल अजीज कादरी की देखरेख में सईद कदल रेंजर टॉप के क्षेत्र में गैर कानूनी तौर पर पुल के पास निर्माणाधीन ढांचे को ध्वस्त किया। इस अभियान में एक मंजिला इमारत को जमींदोज किया गया, जो गैर कानूनी तौर पर अतिक्रमण कर बनाई जा रही थी। वहीं ग्रीन बेल्ट पार्क एरिया में दुकानों की प्लिंथ को भी ध्वस्त किया गया। लोग लॉकडाउन का फायदा उठाकर गैर कानूनी तौर पर गतिविधियों में लिप्त पाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को लवाडा द्वारा सख्त चेतावनी दी गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना का प्रकोप थम नहीं रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 65 मरीजों की मौत हो गई। ये एक दिन में कोरोना से मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश भर में कोरोना के 4,352 नए मामले सामने आए। जम्मू संभाग में 1,708 मामले सामने आए, तो वहीं कश्मीर संभाग में 2,644 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 3,537 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। यूटी जम्मू कश्मीर में समर जोन के नए एकेडमिक सेशन के आगाज पर इस साल भी कोरोना का ग्रहण लग चुका है। नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए स्कूल बंद होने के कारण एडमिशन की प्रक्रिया भी ठप थी। अब समर जोन के प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों में ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्री नर्सरी से 11वीं क्लास तक के लिए दाखिले ऑनलाइन मोड पर हो रहे हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू के निदेशक रविशंकर शर्मा ने कहा कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन्स हो रहे हैं। जम्मू के केनाल रोड स्थित जम्मू मोटर स्टेशन एंड स्पेयर पार्ट स्टोर में आग लगने की घटना सामने आई है। इस आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सर्विस स्टेशन में खड़ी 3 कारें भी जल गईं। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। दिन ब दिन मौतों का आंकड़ा बन रहा है। ये सरकार के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। ऐसे में कई संस्थाएं आगे आकर लोगों को कोविड महामारी के बारे में जागरूक कर रही है। इसी क्रम में सांभा में पैंथर्स पार्टी के पूर्व विधायक यशपाल कुंडल ने सफाई कर्मचारियों के बीच मास्क सैनिटाइजर वितरित किए, जो दिन रात इस महामारी में सफाई अभियान में जुटे हैं। सांभा में आरएसएस सेवा भारती द्वारा जिला अस्पताल सांभा में एक हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। वहीं इस दौरान सेवा भारती के सदस्यों द्वारा पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों के साथ आए अटेंडेंट्स को हम हर सुविधा प्रदान करेंगे, उन्हें किसी भी किस्म की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने लोगों को कोविड महामारी की दुश्वारियों के और दुष्परिणाम के बारे में जागरूक किया। बिहार में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव की पेशी के लिए देर रात मधेपुरा सिविल कोर्ट खुला, जहां से पप्पू यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव के समर्थकों के भारी विरोध के बीच उन्हें मधेपुर ले जाया गया। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम आ रहे हैं, लेकिन इससे हो रही मौतों का सिलसिला जारी है, जो चिंता का विषय है। लगातार 30 दिन संक्रमण का आंकड़ा गिरा है, लेकिन मौतों के मामले फिलहाल थम नहीं रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 3,48,371 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 4,208 मरीजों की मौत हो गई। देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। लाखों लोगों के रोजगार पर बनाई है। लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं, परंतु देश की सरकारी तेल कंपनियां इस त्रासदी में मुनाफा कमाने से पीछे नहीं हट रही है। देश की सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। आज पेट्रोल की कीमत 22 पैसे
तो वहीं डीजल की कीमतों में 24 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए तेजी से लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं इन दिनों राज्यों में कोविड वैक्सीन की भारी किल्लत हो गई है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने वैक्सीन वितरण का फॉर्मूला शेयर किया है। इसके तहत राज्य सरकारों को 18 से 45 आयु वर्ग की आबादी के लिए मई में केवल 2 करोड़ खुराक ही दी जाएंगी। केंद्र ने कहा कि इस महीने वैक्सीन की 8.5 करोड़ खुराक में उत्पादन होने की उम्मीद है। कोरोना काल के दौरान अस्पतालों में आग लगने का सिलसिला जारी है। आज गुजरात के भावनगर स्थित अस्पताल में आग लग गई। आग तीसरी मंजिल पर लगी, जहां आईसीयू बेड थे। ऐसे समय में आग लगी जिस समय आईसीयू वार्ड में 70 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा था। हालांकि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। अस्पताल प्रशासन ने आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया है। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।